जैसा कि हम सभी को पता है, बांग्लादेश के खिलाफ वनडे सीरीज में हार के बाद अब भारतीय क्रिकेट टीम का पूरा ध्यान टेस्ट सीरीज पर है। भारत और बांग्लादेश के बीच दो मैचों की सीरीज का पहला टेस्ट मैच 14 दिसंबर से शुरू होगा। भले वनडे सीरीज में टीम इंडिया को हार मिली हो, लेकिन केएल राहुल की अगुवाई वाली टेस्ट टीम के जीतने की उज्ज्वल संभावना है। केएल राहुल की अगुवाई वाली टीम को अगर वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप का फाइनल खेलना है तो उन्हें बाकी के सभी मैच जीतने होंगे। ऐसे में बांग्लादेश का रिकॉर्ड चटगांव में बेहद ही खराब है। इसका फायदा भारत पूरा उठाना चाहेगी। वर्ल्ड टेस्ट चैंपियन फाइनल में जगह बनाने के लिए भारत को बांग्लादेश के दोनों मैच जीतने होंगे। भारत के मौजूदा चक्र में 6 टेस्ट बाकी हैं और तालिका में चौथे स्थान पर भारत है, जबकि ऑस्ट्रेलिया, दक्षिण अफ्रीका और श्रीलंका फाइनल की दौड़ में फिलहाल भारत से आगे हैं। तो जून में होने वाले वर्ल्ड टेस्ट चैंपियन फाइनल में पहुंचने के लिए भारत को सभी 6 मैच जीतने होंगे। रोहित शर्मा की गैर मौजूदगी में केएल राहुल बांग्लादेश के खिलाफ टीम की कमान संभालेंगे। चटगांव में बांग्लादेश को सिर्फ अभी 2 ही जीत नसीब हुई हैं। बांग्लादेश ने चटगांव में कुल 22 टेस्ट मैच खेले हैं, जिनमें से सिर्फ 2 मैच ही जीत सके हैं, 13 मैच गंवाए हैं। उनमें से 7 मैच ड्रा रहे हैं, जबकि चटगांव में खेले गए बांग्लादेश के पिछले 5 टेस्ट मैचों का रिकॉर्ड देखें तो यहां पर 2019 में अफगानिस्तान ने बांग्लादेश को 224 रनों से हराया था। उसके बाद 2021 में वेस्टइंडीज ने बांग्लादेश को 3 विकेट से हराया था। फिर पाकिस्तान ने बांग्लादेश को 8 विकेट से हराया था। वहीं पर 2022 में ऑस्ट्रेलिया और बांग्लादेश के बीच जो मैच खेला गया वो रद्द रहा और श्रीलंका बांग्लादेश के बीच भी मैच ड्रॉ रहा। वहीं पर भारत के आंकड़ों की बात की जाए तो यहां पर भारत ने 2007 और 2010 में चटगांव में मात्र 2 टेस्ट मैच खेले हैं, जिसमें 2007 का टेस्ट मैच ड्रॉ रहा था, जबकि 2010 में भारत ने बांग्लादेश को 113 रनों से हरा दिया था। बांग्लादेश का दौरा जुलाई के बाद टेस्ट क्रिकेट में भारत की वापसी का प्रतीक बना हुआ है, क्योंकि बांग्लादेश अंक तालिका में सबसे निचले पायदान पर है। वहीं भारत उपमहाद्वीप की परिस्थितियों में खेलने का पूरा भरपूर फायदा उठाएगा, क्योंकि केएल राहुल एंड कंपनी को इसकी मदद मिलना बेहद आसान हो गया है। सर्वाधिक विकेटों की बात की जाए तो यहाँ पर शकीब अल हसन का सर्वाधिक विकेट का रिकॉर्ड है, जिन्होंने इस वेन्यू पर 64 विकेट कुल लिए हैं। तो दोस्तों, अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।